मध्य प्रदेश सरकार 25 मई से प्रदेश में बस सेवा शुरू करने जा रही है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्रीन जोन से ग्रीन जोन तक जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने में और ग्रीन जोन से रेड जोन में जाने के लिए पास लगेगा। वहीं अगर आप स्वयं के वाहन से जा रहे हैं तो ग्रीन जोन से ग्रीन जोन की यात्रा बिना ई पास के की जा सकती है, लेकिन रेड जोन से ग्रीन जोन या ग्रीन जोन से रेड जोन में यात्रा करने के लिए ई पास की आवश्यकता होगी। ग्रीन टू ग्रीन ये पूरा खोल दिया है मध्य प्रदेश। इसके बाद ये अपने वाहन से ग्रीन में जाएंगे तो किसी पास की जरूरत नहीं है, पहुंच जाए ग्रीन टू ग्रीन, फ्री हो गया है। ग्रीन टू ग्रीन के बीच में रेड पड़ रहा है, जैसे विदिशा वाला सीहोर जाए तो भी पास की जरूरत नहीं है, वो सीहोर जाएगा। हाईवे पे अगर है, मतलब जो रूट है उस पे है, तो कोई पास की आवश्यकता नहीं है। रेड से ग्रीन में जाने के लिए और ग्रीन से रेड में जाने के लिए पास लगेगा अभी। इसी तरह से 25 तारीख के बाद में ग्रीन टू ग्रीन बस परिवहन चलाने पर भी विचार होगा। अभी 3 दिन उस बस परिवहन को इंतजार करना पड़ेगा। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।